नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम एक प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए पहले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल 120 तथा वर्गों का योग 289 है, उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि माना कि संख्याएं x एवं y हैं। ठीक है, हमने दोनों संख्याओं को मान लिया है कि जो हमारी संख्याएं हैं वो क्या क्या हैं, x और y हैं। प्रश्न ने कहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 120, तो दोनों को हम गुणा कर देंगे, x गुणे y बराबर 120। दूसरी कंडीशन उसने कहा है तथा वर्गों का योग 289 है, इनके वर्ग कर देंगे, x का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर कितना है, 289। अब उसने कहा है उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, यानी हमें इन दोनों संख्याओं का योग निकालना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगा देंगे। क्या होता है? x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy। यहाँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई है, 289 प्लस 2 गुणा एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 120। यहाँ रख देंगे, यहाँ 289 था, यहाँ 120 दूनी कितना हो जाएगा, 240। इसको हम जोड़ देंगे, 9 2 यानी 529। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 529। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, यहाँ पर रूट लग जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, रूट का 529। और जब 529 का हम गुणनखंड करेंगे यानी वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा, 23। ठीक है, यानी कि उन दोनों संख्याओं का योग निकल के कितना आया, उन दोनों संख्याओं का योग होगा 23। तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाली वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।